उम्र 8 की थी, रेपी 60 का था, साथ में उसके वर्दी वाला भी था। पता भी नहीं होगा रेप का मतलब, उसे रेप करके मार दिया तुमने जिसे। मंदिर था वो, दुर्गा पूजते थे जहाँ, तरफ तरफ के उसने जान दे दी वहाँ। बहुत चीखी होगी ना, बहुत चिल्लाई होगी ना, मदद के लिए उसने गुहार लगाई होगी ना। दब गई आवाज उसकी घंटियों की आवाज में, मार दिया तुमने उसे भगवान के ही दरबार में। भगवान भी अपने घर में वो नजारा देख अपने कर्मों पे रोया होगा, चला था इंसान बनाने और क्या बना दिया, ये सोच रात भर नहीं सोया होगा। अब्बू की गुड़िया थी वो, अम्मी की पड़ी थी, उम्र थी छोटी, बहुत नहीं बड़ी थी। सुना था उसने उन खूबसूरत वादियों में, रहते थे कुछ भेड़िए छुप के झाड़ियों में, पर नहीं पता था उसे वो इंसान की शक्ल में मिलेंगे, दबोच उसे उसके रूह को जिस्म से छीन लेंगे। चलो कोई नहीं, ये कौन सी बड़ी बात है, रोज तो सुनते हो, कौन सी नई बात है, एक बार फिर एक कैंडल मार्च निकाल लेना, फिर भी ना जी भरे 3-4 बस जला देना। न्यूज वालों को TRP बढ़ाने के लिए एक नया ब्रेकिंग न्यूज मिल गया, नेताओं को वोट बैंक्स भरने के लिए एक नया मुद्दा मिल गया। मध्य प्रदेश में बैठा कोई भोसरी वाला बयान देता है, रेपिस्ट पाकिस्तान से आए थे ये कहकर उनका साथ देता है। कुछ मादर जात देख के कातिलों को बचाने सड़क पर उतर आते हैं, तो वही कुछ काले कोट वाले कौए चार्जशीट फाइल होने से रोकने चले आते हैं। एक फिल्म के विरोध में पूरी करनी सेना रोड पे उतर आई थी, वैलेंटाइंस रोकने कुछ लोमड़ी बड़ा उछल रहे थे। कहाँ गए सब, कहाँ चुपचाप बैठे हो, आगे क्यों नहीं आते, किससे डर के बैठे हो, छोटी छोटी बातों पे तो हंगामा कर देते हो, आज जब देश की बेटी का सवाल है तो सन्नाटे में क्यों बैठे हो। कुछ नहीं होगा, और आसिफा कुर्बान होगी, ना सरकार कुछ करेगी ना तुमसे कुछ होगा। हाँ, मुआवजे दिए जाएंगे, कुछ कानून भी बनेंगे, फिर उन्हीं कानून को तोड़ने के लिए कुछ और कानून बनेंगे। इंसान थी वो, ना कि हिंदू या मुसलमान थी वो, पर क्या फर्क पड़ता है, ना मेरी बहन ना तुम्हारी बेटी थी वो, पर मत भूलो तुम्हारी भी बेटी होगी एक दिन, वो भी रोती होगी, ना सरकार ना मीडिया कोई काम नहीं आएगा, तुम्हारे बेटी के भी याद में कैंडल मार्च निकाला जाएगा, वो दिन ज्यादा दूर नहीं जब इंडिया लैंड ऑफ रेप्स कहलाएगा, फिर भी चुपचाप बैठे रहो। अरे क्या लड़ोगे तुम चाइना पाकिस्तान से, पहले अपने घर की तो गंदगी साफ कर लो।